बनाना हो उसे प्रताड़ित किया जाता है, ताड़ित किया जाता है, चल उठ खड़ा हो, चल खड़ा। ये बाहरी पशु के लिए। भीतरी पशु के लिए क्या है? भीतरी पशु के लिए अपने ऊपर अनुशासन, क्योंकि ये अनुशासन तमोगुणी व्यक्ति के ऊपर बाहर से लादना कठिन होता है, इसीलिए मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। क्योंकि मार्गदर्शक के संरक्षण में, गुरु नहीं कहूंगा, गुरु बहुत बड़ा शब्द है बाबा, गुरु बनने के लिए हजारों जन्म लग जाते हैं, मार्गदर्शक गाइड टीचर उसका एक ही कार्य है। वो क्या करता है? मार्गदर्शक मात्र इतना सुनिश्चित करता है कि टाइम पर आपने ये काम किया कि नहीं किया। चलो भाई उठो 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 ना उठो। आप पर घर पर कोई अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी अनुशासन ला दे, आपका दो घंटे पर झगड़ा हो जाएगा। भाई कल सुबह मुझे एग्जैक्ट 5 बजे उठा देना, कल से मैंने ये काम शुरू कर देना है। और किसी ने उठाना शुरू किया 5 बजे, उठो क्या है, आपने कहा था 5 बजे उठा देना। सबसे पहले तो दिल करता है अपने मुंह पर थप्पड़ लगाऊं, मैंने कहा क्यों था, कहना ही नहीं चाहिए था। अच्छा उठता हूं, फिर आपने कहा था कि मेरे को उठा देना, मैं जबरदस्ती आपको उठा रहे हैं अब आप। अच्छा उठता हूं ना, कल से पक्का कल से शुरू करें, आज से नहीं। और अगर एक दिन छूट गया, तीसरे दिन फिर पान, क्या है आपने कहा था उठाओ, तो मनुष्य का उत्तर शब्दों में नहीं होता, बहू। ऐसा मार्गदर्शक जिसकी आपको शर्म हो, जिसके सामने आप प्रत्युत्तर में भौंक नहीं सके, ऐसा मार्गदर्शक फिर जब आप पर हठ योग का, कर्म योग का अनुशासन लाद देता है, तब धीरे धीरे आपके अपने शरीर से तमोगुण बाहर भागना शुरू करता है। रजोगुण के लिए प्रिस्क्रिप्शन दी गई है, जो व्यक्ति बहुत रजोगुणी है, पेंडुलम है हर घड़ी भागना, अस्थिरता अस्थिरता विक्षिप्त कहते हैं। तमोगुण को कहते हैं मूढ़, मूढ़ माने डल, नेव डाफ्ट इनर्शिया, और विक्षिप्त कहते हैं व्यक्ति को कुछ सुनिश्चित नहीं है, हर घड़ी कुछ ना कुछ और क्या जुगाड़ है। और आप आजकल क्या कर रहे हो? कन्हैया लाल कितने का आदमी हो गया होगा? 20 करोड़ रुपए का। अच्छा जी कैसे? 2 करोड़ का मकान, 3 करोड़ का उसका फले, उन्हें प्लॉट भी लिया, इतना भी लिया। अच्छा रामलाल, सबका विश्लेषण करने के बाद आप आजकल क्या कर रहे हो? ये कर रहे हैं, इसमें पैदा अच्छी होगी, पैदा अच्छी होगी, हमारे धंधे में कुछ नहीं है। एंड ही इज डिस्टर्ब्ड, रजोगुणी व्यक्ति। उसके लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म में भक्ति योग अथवा जप योग का सहारा लेना चाहिए, लेकिन वो भी मार्गदर्शन में। भक्ति योग अर्थात किसी प्रकार उसके ऊपर, उसके भीतर की अस्थिरता पर, जो अग्नि अस्थिरता की, उस पर जल की वर्षा की जाए। भक्ति अर्थात जल की वर्षा, भक्ति अर्थात आंखें बंद करके और हरे राम बोलते रहना नहीं, बिल्कुल नहीं, यह गलत पद्धति है हरे राम बोलने की। हमारे ऋषियों ने कभी नहीं कहा था कि हम राम का गुणगान तो सारा जीवन करें लेकिन रामत्व को बिल्कुल ना धारण करें। यह हमारे पूरी संस्कृति के साथ दुर्भाग्य है, रामायण के साथ अनाचार है। तुलसीदास को हमने टुकड़े टुकड़े करके काट दिया। वो कभी नहीं चाहता था कि व्यक्ति 108 बार रामायण पढ़े, उसका अभिप्राय तो यह था कि रामत्व को धारण करे। रामत्व को धारण करना भक्ति है, राम राम करना भक्ति कैसे हो गया? दिस इज फुलिश, दिस इज इडियोटिक स्टुपिडिटी। आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर के उसका 24 घंटे उच्चारण करें, व्हाट डू यू गेन? नथिंग। आप उससे कुछ सीख करके अपने जीवन में उतार लें, यू गेन समथिंग। और यही भक्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत है। भक्ति का तात्पर्य यह है कि जिसे इष्ट माना है उसके विषय में संपूर्ण जानकर अपने भीतर उसका अवतरण करो। यू ट्राई एंड बिकम लाइक हिम और हर, नॉट कि आप सुबह शाम राम 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 राम। उदाहरण दिया था मैंने आपको एक, मुंबई में किसी एक मैं मंदिर नुमा आश्रम में ठहरा था, तो जब मैं ठहरा, उदाहरण देना बहुत सुंदर अच्छा रहेगा, वहाँ जब से ठहरा तो प्रातः नीचे उनकी कैंटीन में भोजन करने गए, सात्विक भोजन था, तो उनके जो अपने लोग थे जो उनके पुजारी, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, आप समझ जाएंगे, एक वो उनके बड़े पुजारी नाश्ता करने आए, जो भोजन परोस रहे थे वो दोनों सब हो सकता है सामान्य स्तर के हों, तो जैसे ही आकर के बैठे, वो सुबह एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो जैसे ही आकर के बैठे उन्होंने कहा, मैंने पहले भी सुनाया था,
उन्होंने उनको खाना मंगाने के लिए उनको आवाज़ दिया, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा, तो उसने दूसरे ने आश्वासन दिया भी ला रहा हूँ, हरे राम 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 हरे हरे ला रहा हूँ। थोड़ी देर बीत गई, वो बैठे बैठे उंगलियां तबले की तरह बजाते रहे, कोई खाना नहीं आया, दूसरों को वो परोसते जा रहे थे, हम जैसों को जिन्होंने पैसे देने थे। जब वो खाना नहीं आया तो उसने थोड़ी देर आवाज़ दी, हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतने लोग बैठे दिखाई नहीं देता तेरे को, ला रहा हूँ। थोड़ी देर और बीत गई, जब और नाश्ता नहीं आया बेचारे के सामने तो वो अग्नि ज्वलित हो गई, उसने कहीं ड्यूटी भी करनी होगी मंदिर में, तो उसने भी दूर से इशारा करके हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण, अंदर जाके आवाज देकर उनको बोलता है देश को निपटाओ। दिस इज नॉट भक्ति। ये तो उदाहरण दिया मैंने एक, दिस इज नॉट भक्ति। भक्ति है कि मनुष्य जिस इष्ट को भी चाहता है उसके पूरे आचरण को एक बार अंदर समझ ले, टैब्यूलेट कर ले, राम मीन्स वॉट, ओके राम मीन्स ओके दिस 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 दिस, और फिर उसको बेंचमार्किंग बना के अपने अंदर टटोले, कितना रामत्व तो मेरे अंदर आया है, तब तो हम समझेंगे कि रामायण की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वरना तो रामायण बकना हो गया। ये बड़े कड़े शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे अध्यात्म के माध्यम से जिस महान सत्ता को भारत को प्राप्त होना था विश्व गुरु की, वो हम नहीं हो पाए, और उसके स्थान पर हम लोगों ने आडंबरों को रच दिया, जिन आडंबरों से अधोगति हुई। और दूसरी औषधि रजोगुण की क्या है, जप के लिए तो वो मेरी व्यक्तिगत साधना भी जप है, क्योंकि जप के माध्यम से भीतर जितनी रजोगुण की अस्थिरता है, उसकी प्रचंड अग्नि है, वो ईंधन की तरह जप में लीन होकर के ऊर्जा की उत्पत्ति करती है, ऐसी ऊर्जा जो मनुष्य को ऊपर आगे ले जाती है। तो जप बहुत बड़ी विधा है, मानसिक जप, गायत्री महामंत्र हो या कोई मंत्र हो, उसका जप एक बहुत बड़ी विधा है जिसके माध्यम से भीतर की अस्थिरताओं को रोका जा सकता है। और जिसे सतोगुण से आगे बढ़ना है, सतोगुण में भी वृद्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा इस व्यक्ति के लिए दो प्रिस्क्रिप्शन है, सबके लिए दो प्रिस्क्रिप्शन है, दो गोली में काम हो रहा है, उन गोलियों के भी आगे विभाजन है। सतोगुणी के लिए कहा इसे केवल स्वाध्याय और सत्संग के लिए प्रेरित करो। स्वाध्याय माने अपना अध्ययन, अपना मूल्यांकन, अपना अवलोकन, आत्म अवलोकन, आत्मदर्शन, आत्म परिष्कार, आत्मनिर्माण, आत्मविस्तार, ये क्या है, ये स्वाध्याय का अंग है। और जब तक ये नहीं होता तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि अपने भीतर अभी मुझे देखना नहीं आता, आई एम सो सॉरी, क्यों, I don't know how to look in my own self. I don't know how to internalize. अच्छा, अपने भीतर देखना नहीं आता, तो चलो इसको कहो कि स्वाध्याय का मतलब है कोई पुस्तक पढ़ लो। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से शुरुआत कराई जाती है, ठीक उसी तरह जैसे गिनती सिखाने के लिए बच्चे को गोल गोल वो स्लेट में गोलियां होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन गिनती आने के बाद फिर वो गोलियां नहीं काम आती, ठीक उसी प्रकार अच्छे सदग्रंथ के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं कि आंखें टिक करके कुछ आत्मसात करें। जब वो पूरी हो जाता है प्रशिक्षण तो फिर पुस्तक की आवश्यकता नहीं, मनुष्य उपासना में आंखें बंद करता है, आत्म अवलोकन की गहराइयों में जाता है। और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन सतोगुण की वृद्धि के लिए है सत्संग, स्वाध्याय और सत्संग। सत्संग में भी जब मनुष्य को वास्तविक सत्संग नहीं करना आता तो उसे आरंभिक सत्संग दिया जाता है, क्या, अच्छा भजन स्वयं गा लो, अच्छा भजन कोई अच्छा सा भजन सुन लो, क्यों, ताकि तुम्हें अच्छा ऐसे लोगों में जाके बैठ जाओ जहां अच्छी ईश्वर की चर्चा होती हो, अर्थात तुम्हें ऐसी प्रेरणाओं में रस आना शुरू हो जाए, प्रेरणाओं में रस आने लगे तो समझ लो तुम सत्संग का आरंभिक प्रशिक्षण ले रहे हो। अब ना फ्रॉम एक्सटर्नलाइजेशन इंटरनलाइजेशन करना है तो उसमें क्या करता है व्यक्ति, आंखें बंद करता है, और जब मैंने कहा आपसे कहा नाद के बाद प्रकाश, अभी तो षणमुखी को मैंने आरंभ कराया, अभी षणमुखी की आगे की यात्राएं कराएंगे, प्रकाश प्रकाश कपाल में प्रकाश, शरीर में प्रकाश, अभी क्या, अभी तो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया,
अभी अंदर कोई बल्ब नहीं जल रहा था, हमने आर्टिफिशियली थ्रू द पावर ऑफ इमेजिनेशन वी क्रिएटेड द एफल्जेंस ऑफ लाइट, प्रकाश को उदय किया। लेकिन धीरे धीरे जब ये मनुष्य को प्रशिक्षण हो जाता है तो वह वास्तविक प्रकाश भी शरीर में आना आरंभ कर देता है। लेकिन एक रास्ता बनाया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है। बहुत से लोग आयु में बढ़ भी जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन उनको अपना अपने हाथों से शेव नहीं करनी आती, अपनी शेव नहीं कर पाते। हालांकि नाई के पास जाओ तो नाई तो हमेशा आपको हतोत्साहित करता है। मैं हमेशा अपनी शेव खुद करता हूँ जब से मैंने दाढ़ी बनाई, और मैं जितनी बार भी नाई के पास जाता हूँ वो एक बात सबसे पहले बोलता है, घर पे शेव बनाते हो? हाँ। तभी तो मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, बच्चू तो 100 साल और कहेगा ना तब भी मैं घर पे ही बनाऊंगा। घर पे शेव बनाते हो तभी मूछ इधर की बड़ी इधर की छोटी होगी, कल में यहाँ से आपने खत्म ही कर डाली, मेरी है मैंने कर दी, चल गया ब्लेड, चल गया। शादी हुए 30 सालों के, परवाह नहीं है, कल में नहीं भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। हाउ डज इट मैटर नाउ, मुझे अपनी शेव खुद करने दे। आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा नहीं कि जो कराते हैं शेव वो गलत करते हैं। मैं एक अभ्यास दे रहा हूँ कि मनुष्य को कई बार अंतर्मुखी होना नहीं आ पाता, वो बाहर अटक जाता है। तो मित्रों, हमारे ऋषियों ने ये प्रावधान दिया, स्वगुरु बोध के प्रशिक्षण में हम यही कार्य है कि मनुष्य को सबसे पहले उसकी गुणात्मक प्रकृति का बोध कराना। जो साधनाएं सिखाई जाएंगी, प्रथम स्तर की, द्वितीय स्तर की, तृतीय स्तर की, चतुर्थ स्तर की, ग्रंथ नहीं है बाबा, ग्रंथ तो मात्र 7वें अध्ययन के लिए दिया गया कि बाद में जब मन करे कुछ पढ़ने का तो पढ़ सके व्यक्ति, वो तो 7वें प्रतीक रूप से जोड़ा गया है। कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया इसका रिकॉर्ड रखने के लिए 7वें, कितने लोग इससे जुड़ पाए, कितने लोगों ने इसका कलावा बांधा, इसके लिए ग्रंथ को 7वें रखा गया। आत्मसंकेत की डायरी दी जा रही है, कोई सदग्रंथ बेचने का नहीं। यहां सोनीपत में तो अभी इसको बहुत सहजता से शुरू किया, लेकिन इसे बाहर के स्थानों में हो सकता है इस प्रशिक्षण के बाद में इस तरह से शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा आज तक का 12 वर्ष का एक अनुभव है, और वो अनुभव ये कहता है, अनुभव ये कहता, 12 वर्ष का अनुभव यहां ये कहता, अध्यात्म का तो अनेकों वर्षों का, कि समथिंग विच इज गिवन फॉर फ्री और ऑलमोस्ट फ्री इज एबल टू गेट ए फ्री रिस्पॉन्स। जिसको आप बहुत फ्री 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 ना, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं चाहिए। क्यों कुछ नहीं चाहिए का मतलब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए दूसरे भी आपको पे कुछ नहीं समझ करके आगे बढ़ते जाते हैं। और जहां कुछ है इसका आभास होना शुरू होता है, वहां से फिर बहुत कुछ का आगे भी जन्म होता है। संभवतः 12 वर्षों के बाद मैंने ये जाना है कि मनुष्य को अगर गंभीर करना है, गंभीर करना है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना हर व्यक्ति के लिए नहीं है। वो व्यक्ति जिसके लिए रोटी सबसे बड़ी प्राथमिकता है उसे आध्यात्मिक साधना अभी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो आजीविका के संघर्ष में है, जो 2 जून की रोटी मुश्किल से पूरी करता है, आध्यात्मिक साधना उसके लिए नहीं है। विवेकानंद ने ठीक कहा, उसे रोटी चाहिए, आजीविका का गरिमामय आधार चाहिए। आध्यात्मिक साधना उसे सिखाने की आवश्यकता है जो रोटी सुनिश्चित कर चुका है, उससे आगे बढ़ रहा है, अब जेब में इतने साधन हैं, अब उस व्यक्ति के साथ न्याय करना आवश्यक है। ये बात हमने 12 वर्ष समझी नहीं है, और अब सोनीपत की परवाह किए बिना इस योजना में बहुत सारे परिवर्तन करने जा रहा हूँ, और ये मेरा निर्धारण है। क्यों? क्योंकि मैंने 12 वर्ष तप किया है, और तप के पश्चात मैंने सुनिश्चित किया है अपने लिए नहीं, एक तो ये कि सामने वाले के लिए जिस व्यक्ति को मैं देना है, और दूसरा ये कि उस विद्या के प्रसार के लिए, उस विद्या को बांध करके एक कुंडली में किस प्रकार से मैं रख सकूंगा, इसमें कुछ परिवर्तन हम करने जा रहे हैं। स्वगुरु बोध प्रशिक्षण है, जहां मनुष्य अपनी वृत्तियों का बोध प्राप्त करेगा, उसके अनुरूप प्रिस्क्रिप्शन निर्धारित करेगा, ताकि 6 महीने बाद जाना जा सके कि मैंने इतनी साधना की, मुझमें कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर व्यक्ति सच्चा है तो कृपया करके मेरी बात मानिए, अपनी पूजा उपासना बंद कर दीजिए जो अनेकों वर्षों में आप में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। प्लीज डोंट डू एक्टिविटीज विच डू नॉट क्रिएट एनी रिजल्ट, जो तुम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला रही हैं, तुम्हें डरा रही हैं, ऐसी प्रक्रियाएं बंद कर दो। हनुमान जी की उपासना इसलिए कर रहा हूं कि मेरा अनिष्ट ना हो, शनि की उपासना इसलिए कर रहा हूं कि मेरा अनिष्ट ना हो। कम ऑन, आर यू सो स्केर्ड? आर यू सो स्केर्ड?
अगर भीरू मानसिकता होगी तो भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? यहां से कैसे हम उन लोगों को जन्म दे पाएंगे जो पूरे विश्व को प्रेरणा देंगे? अगर इस प्रकार की मानसिकता हम समाज में लेकर के चलेंगे तो हमारी राष्ट्रीय मनोवृत्ति कैसी होगी सोचो, और क्यों हम पीड़ित हैं इसका भी कारण सोचो। इस टेलीविजन पर अनेकों प्रकार के विघटन देखते आ रहे हो, अनेकों वर्षों देखते रहोगे, अगर ये बड़ा परिवर्तन अपने भीतर हम नहीं कर पाए। लोग कहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए ऊपर जाना होगा, भूल जाते हैं कि मिट्टी से ही प्रत्येक वनस्पति को उर्वरा मिलती है, चाहे वो वृक्ष 10 मंजिल का हो या घास की पत्ती, उर्वरा उसे प्राप्त होती है नीचे की मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी ही गर्भ है। जन मन जन मानस ही वो मिट्टी है जहाँ से इस पूरे संस्थान को, जिसे कोई राष्ट्र का हम नाम देते हैं, उसकी उत्पत्ति है। जब तक वहाँ परिशोधन नहीं होगा तब तक कानून के अभिप्राय 2 होंगे, एक वो जो मेरे लिए है और एक वो जो सामने वाले के लिए है। ओम शांति शांति शांति। ओम।